नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर और मैं हूं आपके साथ राजेश जायसवाल। राजनीति जगत से आज एक दुखद खबर है। कोरोना वायरस ने कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज नेता छीन लिए हैं। 23 नवंबर की शाम कांग्रेस के दिग्गज नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया था। वहीं 25 नवंबर की सुबह आज कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। अक्टूबर महीने में वरिष्ठ नेता अहमद पटेल कोरोना वायरस की चपेट में आए थे और उनकी हालात बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजनीतिक गलियारों में उन्हें बाबू भाई, एपी और अहमद भाई के रूप में जाना जाता था। अहमद पटेल पर्दे के पीछे से ही राजनीति की पटकथा लिखा करते थे और पार्टी को बड़ी से बड़ी मुश्किल हालातों में उबारने में मददगार साबित होते थे। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद साथी और वफादार नेता अहमद पटेल के निधन से पार्टी को भारी क्षति हुई है। राजनीति में असंभव को संभव बनाने वाले अहमद पटेल ने पहला लोकसभा चुनाव 1977 में जनता पार्टी की आंधी के बावजूद जीता था। 1980 और 1984 में फिर वे सांसद बने। भारतीय राजनीति के बदलते मौसमों को उन्होंने करीब से देखा, लेकिन अहमद पटेल कभी नहीं बदले। राजीव गांधी के निधन के बाद जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में नहीं ले ली, तब तक अहमद पटेल पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहे। पटेल सोनिया गांधी के खास सलाहकारों में से एक थे। यूपीए सरकार का कार्यकाल हो, राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या फिर पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी कलह हो, पटेल ने हमेशा ही कांग्रेस को हर संकट से उबारा है। इसलिए उन्हें कांग्रेस का संकट मोचन भी कहा जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद पटेल राजीव गांधी के भी काफ़ी करीब आ गए थे। पटेल कहा करते थे कि राजीव के साथ काम करने का उनका एक खासा अनुभव रहा। पटेल कहते थे कि युवा शक्ति के साथ काम करके हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं। वहीं पटेल के निधन पर सोनिया गांधी ने कहा है कि वह एक ऐसे कामरेड, निष्ठावान सहयोगी और सच्चे मित्र को खो दिया है जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सोनिया गांधी ने अपने एक शोक संदेश में कहा है कि अहमद पटेल के जाने से मैंने एक ऐसा सहयोगी खो दिया है जिनका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर तहसील के पीरामन गांव में 21 अगस्त 1949 को जन्मे अहमद पटेल के पिता का नाम मोहम्मद इसाक पटेल और माता का नाम हवाबेन पटेल था। अहमद पटेल को सियासी विषाद का होनहार खिलाड़ी माना जाता था। नगर पालिका का चुनाव लड़कर पंचायत का सभापति बन राजनीति की शुरुआत करने वाले अहमद पटेल 1977 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए चुनकर आए। अहमद पटेल 3 बार लोकसभा सांसद और 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। 80 के दशक में भरूच को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अहमद पटेल को यहां से 3 बार जीत मिली। अहमद पटेल 8 बार सांसद रहे। अहमद पटेल ने 3 बार लोकसभा सांसद के तौर पर भरूच का प्रतिनिधित्व किया, 5 बार राज्यसभा सांसद के तौर पर। गांधी परिवार के सबसे वफादार नेता माने जाने वाले अहमद पटेल कांग्रेस में भी काफ़ी ताकतवर नेता थे। कहा जाता है कि पार्टी जब सत्ता में थी तब उन्हें कई बार मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया, पर उन्होंने बार बार इसे ठुकरा दिया। देश के राजनीतिक इतिहास में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जितने भी शानदार प्रदर्शन किए और चुनाव जीते, उनमें अहमद पटेल का रोल बहुत बड़ा था। माना जाता है कि एक तरह से वह कांग्रेस पार्टी के वह सेनापति थे जो मुश्किलों का सामना करने के लिए सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा हुआ करते थे। साल 2004 का लोकसभा चुनाव हो या 2009 का, उन दोनों चुनावों में अहमद पटेल के योगदान को कांग्रेस के साथ साथ इस देश ने भी देखा है। इसके अलावा भी किसी विधानसभा चुनाव में अभी अगर पार्टी विषम परिस्थिति में होती थी तो अहमद ही एक ऐसे नेता थे जिन पर सोनिया गांधी को पूरा भरोसा होता था कि वे इस संकट से पार्टी को उबार सकते हैं। उन्होंने अपनी रणनीति कौशल से कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस की सरकार बनवाई, मगर कभी भी मंत्री नहीं बने। अहमद पटेल साल 2001 से 2017 तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे थे। 2018 में राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार करने के बाद अहमद पटेल को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। वैसे 1996 से लेकर 2000 तक पटेल इसी पद पर थे। हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व के दौरान भी अहमद पटेल आलाकमान और नेताओं के बीच में सबसे अहम कड़ी बना करते थे। 10 साल की यूपीए सरकार में भले ही वह लो प्रोफाइल में रहे हों, मगर उन्होंने इस दौरान अहम भूमिका निभाई। साल 1985 में राजीव गांधी ने अहमद पटेल को ऑस्कर फर्नांडिस और अरुण सिंह के साथ अपना संसदीय सचिव बनाया था।
उस समय इन तीनों को अमर, अकबर, अंथनी की गैंग कहा जाता था। पहली बार अहमद पटेल तभी चर्चा में आए थे। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिंहा राव ने अपने और 10 जनपद के बीच सेतु के तौर पर अहमद पटेल का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सीताराम केसरी जब नरसिंहा राव की जगह कांग्रेस अध्यक्ष बने तो उन्होंने अहमद पटेल को कोषाध्यक्ष बनाया। 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी तब उनके पावरफुल निजी सचिव विसेंट जॉर्ज से अहमद पटेल की नहीं बनती थी और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी ने उन्हें मना कर किसी तरह फिर से काम संभालने की जिम्मेदारी दी और माना जाता है कि यहीं से विसेंट जॉर्ज की ताकत कम होती चली गई। यह उनका क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल ही था कि कांग्रेस 2008 में विश्वास मत जीतने में सफल रही। जब वामपंथी दलों ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई थी। जनवरी 1986 से अक्टूबर 1988 तक गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के अलावा वह सितंबर 1985 से जनवरी 1986 तक और फिर मई 1992 से अक्टूबर 1996 तक दो बार पार्टी महासचिव भी रहे। साल 2017 में भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई जब बनी तो राज्यसभा चुनाव में पटेल ने जीत हासिल की थी। पटेल ने इस तरह से गुजरात में अपना 5वां कार्यकाल जीता। देश में इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगा था तो वैसे हालात में भी अहमद पटेल ने 1977 में 26 साल की उम्र में भरूच से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। उनकी जीत से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। इसके बाद 1980 और 1984 में इसी भरूच सीट से जीतकर संसद पहुंचे। उन्हें कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रस्ताव मिला परंतु उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने की प्राथमिकता दी। दशकों तक कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया परंतु कभी भी वह मंत्री नहीं बने। अहमद पटेल को शोक संवेदना देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दूसरे दल के नेताओं का समावेश है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें अपना सच्चा दोस्त बताया है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है।